हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू वड़ी। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये आलू वड़ी बनाने के लिए मैंने आलू के पत्ते लिए हैं। आपको ध्यान देना है कि जब आप इसके पत्ते ले तो इस तरह से इसकी जो स्टेम है ये काले कलर की हो या ज़्यादा डार्क हो, वैसे वाले ही आलू के पत्ते आपको लेने हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी स्टेम है वो कट कर लेंगे, और आप ये देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ इस तरह से ये जो स्टेम है इस तरह से काफ़ी मोटी सी रहती है, तो इसे भी आपको चाकू की हेल्प से इस तरह से स्क्रेप कर कर निकाल देना है। तो ये जो जितनी भी मोटी धारियाँ होंगी वो हमें इस तरह से निकाल देना है अच्छी तरह से स्क्रेप करके। इसी तरह से हम सारे पत्तों पे से ये जो मोटी धारियाँ हैं ये निकाल लेंगे और अच्छे से पत्तों को क्लीन कर लेंगे, और इसे वॉश करके हम हल्का सा पैट ड्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने पत्ते सारे साफ़ करके रख दिए हैं। हमने लिया है, सबसे पहले तो हमने लिया है बेसन। ये करीबन 150 ग्राम बेसन है। इसके साथ हमने मसालों में लिया है, सबसे पहले ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और साथ ही हमने लिया है गरम मसाला और नमक। तो ये सारे पाउडर्ड मसाले हमने लिए हैं। इसके साथ हमने हरा मसाला बनाने के लिए ये सारे मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 2 से 3 हरी मिर्चें, एक टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 कलियां लहसुन की, और थोड़ा सा हरा धनिया। इस सब को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये मैंने गुड़ को भिगो दिया है, और यहाँ पे मैंने इमली को भी भिगो दिया है। इमली और गुड़ को हमें साथ में मिक्स करके छान लेना है, और उसका पानी जो है हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जो हरा मसाला है वो मैं पीस रही हूँ मिक्सी में। इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। इस तरह से मैंने मसाले को पीस लिया है। अब इमली को हाथों की हेल्प से इस तरह से मैं इसका पानी जो है, इसका जो पल्प है वो निकाल रही हूँ, और फिर इसी तरह से गुड़ को भी साथ में मिक्स करके मैंने छान लिया है और इसका जो पल्प है वो निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसन है उसको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो ये मैंने एक कढ़ाई में बेसन को रोस्ट कर लिया है, बहुत ही लो फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे मैं इसे हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। सिर्फ हमें जो एक सौंधी सी खुशबू है वो आने लगेगी तो हम इसे बंद कर देंगे। इसका कलर नहीं चेंज करना है हमें, और इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, और हमारा बेसन हल्का सा रोस्ट हो चुका है। अब जो है हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर देंगे जो हमारे पाउडर्ड मसाले हैं, और फिर हम इसमें जो गुड़ और इमली का पानी है वो भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच भर के इसमें हरा मसाला जो हमने पीसा था वो ऐड कर दिया है, और इसमें अब सारे पाउडर्ड मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे सारे न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे पाउडर्ड मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो है हम इसमें जो पल्प लिया है हमने गुड़ और इमली का वो ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से लीजिए फ्रेंड्स, आप जितना तीखा खाते हो, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली है, तो आप जितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से ही मिर्ची ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से हाथों की हेल्प से मैंने इसे गून लिया है। इसका हमें एक पेस्ट बनाना है फ्रेंड्स, ना ही हमें इसे बहुत पतला करना है और ना ही आटे जैसा थिक करना है, हमें इसका बहुत ही पतला सा एक पेस्ट बनाना है जो हम इजीली हमारे पत्तों पर लगा सकें। तो ये देखिए, मैंने इसमें इस तरह से जो बेसन है उसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा तिल डाल रही हूँ, सफ़ेद तिल जिसे हम कहते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो पेस्ट की जैसी रखनी है। तो ये देखिए, पानी ऐड करके मैं वापस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये अच्छी तरह से इसे हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। इस तरह से आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक अच्छा सा पेस्ट जैसा रेडी हो गया है।
तो अब हम इसे जो हमारे आलू के पत्ते हैं उस पर लगा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके आपको इस तरह से पूरे पत्ते पे इसे फैला देना है और सारी साइड्स को अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट में जो पत्ते पे है पूरी तरह से लगा रही हूँ। अब हमारा एक पत्ता जो है पूरी तरह से कवर हो चुका है, तो दूसरे पत्ते को हम इस तरह से उल्टी साइड पे रखेंगे, उल्टा रखेंगे और फिर उस पे भी हम जो मसाला है वो लगाते रहेंगे। इसी तरह से हमें एक एक करके सारे पत्तों पे पूरी तरह से मसाले को कवर कर देना है अच्छी तरह से, एक के ऊपर एक रख कर। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हर तरफ से रोल करते रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह कैसे। तो ये देखिए, दूसरी साइड एक साइड दोनों पत्ते अच्छी तरह से ऊपर से कवर हो चुके हैं, तो इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसे फोल्ड कर लिया है थोड़ा थोड़ा। और फिर दोनों साइड पर भी मैं सारा जो हमारा मसाला है यानी कि जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो इस तरह से मैं साइड पर भी लगा रही हूँ। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पर भी इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी हम मसाले को जो पेस्ट है हमारा वो लगाते रहेंगे। इसी तरह से दूसरा साइड भी मैं फ़ोल्ड करूँगी, वहाँ भी मैं लगाऊँगी। और ऐसे करते करते हम इसका जो है एक रोल तैयार कर लेंगे। और रोल करते करते भी हम इस पर मसाला जो है हमारा लगाते जाएंगे। पूरा मैं इसे अच्छी तरह से रोल कर लूँगी, एक टाइट रोल बनाना है हमें इसका। और पूरी तरह से मसाला लगाने के बाद हम इसे स्टीम करने वाले हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक डबल बॉयलर जैसा तैयार कर लिया है। अगर आपके पास इडली का जो बर्तन होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आप पानी रखिए नीचे थोड़ा सा, और ऊपर सबसे ऊपर वाली प्लेट रखिए, और उसके अंदर ये जो हमारा रोल है ये इस तरह से ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद हमें तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। जैसे मैंने एक डबल बॉयलर तैयार किया है, नीचे एक पतीली रखा है, ऊपर एक छन्नी रखा है, और इसके अंदर हमने ये पात्रा, ये हमारा जो आलू वड़ी है ये डाल दिया है। ये होने के बाद 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारी आलू वड़ी है अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। एक बर्तन में निकाल लिया है मैंने और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके गोल गोल पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये सारी आलू बड़ी के जो हम पीसेस है एक एक करके इस तरह से कट कर सकते हैं। आपको जितना मोटा चाहिए या जितना पतला चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब जो फ्रेंड्स, इसे इसका जो लास्ट एंड है वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको इसे डीप फ्राई करना है या शैलो फ्राई करना है। कोई कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो इसे सिर्फ इस पर तड़का देते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा ऑयल में इसमें राई, जीरा और नारियल इसका तड़का दे देते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ, मैं इस जो आलू बड़ी है ये डीप फ्राई करके बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, उसमें मैं इसे ऐड करूँगी। और सिर्फ दोनों साइड से सिर्फ दो दो मिनट के लिए हमें इसे पकाना है और ये क्रिस्पी हो जाएगा और फिर हम इसे सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नैक है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को और ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।